नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में देश दुनिया से जुड़ी 25 खबरों पर। एलजेपी पे नया बवाल, चिराग पासवान की चेतावनी, कहा चाचा पशुपति केंद्रीय मंत्री बने तो जाऊंगा कोर्ट। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू कश्मीर में हिजबुल के टॉप कमांडर किया गया ढेर, कई आतंकी वारदातों में था वो शामिल। तालिबान आतंकियों के बढ़ते हमलों के बावजूद अफगानिस्तान में बंद नहीं होंगे भारत के मिशन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने ऐतिहासिक जगहों के विकास के लिए दी आर्थिक मदद, 10 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। महान अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से देश में शोक की लहर, राष्ट्रपति कोविंद व प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य राजनीतिक शख्सियतों ने दी श्रद्धांजलि। बुलंदशहर में मकान तोड़ते समय गिरी दीवार, मलबे में फंसी 2 बच्चियां, इलाज के दौरान 1 बच्ची की हुई मौत। आजमगढ़ में 4 ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग से इलाके में मचा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में देर रात चलाया गया नाइट पेट्रोलिंग अभियान, बिजली विभाग ने की छापेमार कार्यवाही। लखनऊ में युवक ने गोमती नदी में कूदकर की आत्महत्या, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला, मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। बुलंदशहर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर उनके अद्भुत तस्वीर का विमोचन, हजारों डॉलर आकी गई है कीमत। आर्थिक मंदी के सबसे बुरे दौर में लेबनान, देश की मुद्रा ने अपना 90% मूल्य गंवाया। नेपाल में मध्यावधि चुनाव का शेड्यूल जारी, 15 जुलाई को पार्टी के रजिस्ट्रेशन से शुरू होगी प्रोसेस। ईरान में भीषण गर्मी के बीच कई घंटे गुल रही बिजली, राष्ट्रपति ने जनता से मांगी माफी। बीस साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे घोड़े बिग जैक की हुई मौत, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है बिग जैक का नाम। यूरो कप के फाइनल में पहुंचा इटली, पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हराया, मैच में गोल करने वाले अल्वीरो से हारे। टीम इंडिया का जारी रहेगा हॉलिडे, बीसीसीआई ने कहा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कोरोना को लेकर कोई राहत नहीं मिली है। विंबलडन में हुआ बड़ा उलटफेर, पोलैंड के हुबर्ट ने दूसरी सीड रूस के डेनिल को हराया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले बुरी खबर, इंग्लैंड के खिलाड़ी हुए कोरोना से संक्रमित, 7 सदस्यों की पॉजिटिव आई रिपोर्ट। टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगलने वाले अर्जुन, पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जमकर लताड़ा। आलिया रणवीर के साथ करण की फिल्म में अहम रोल निभाएंगे धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी, 2022 में रिलीज होगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अजय की अगली फिल्म की डेट हुई कंफर्म, 13 अगस्त को रिलीज होगी अजय देवगन की आगामी फिल्म भुज। नेल्लौर सरकारी अस्पताल में लगा सोनू सूद का पहला ऑक्सीजन प्लांट, देश भर में 16 और प्लांट्स लगवाएंगे सोनू सूद। नहीं रहे हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांस।
फिलहाल टू का गाना हुआ रिलीज। अक्षय कुमार ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से लोगों को किया इमोशनल। बी प्राग भी आए गाने में नजर। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।